बिहार में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू है। नीतीश सरकार ने पुलिस को शराबबंदी लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिया। इस बार पटना पुलिस ने शराब से लदे कंटेनर को बरामद करने में सफलता हासिल की है। मनेर पुलिस ने हरियाणा नंबर की ट्रक जब्त की है। मनेर थाना क्षेत्र के मौलानीपुर गांव के पास जब्त की गई ट्रक से 10,500 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब की गैर कानूनी कारोबार में इस्तेमाल में आने वाली एक अपाचे बाइक जब्त की। वहीं शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए। वहीं पटना सिटी के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को शराब की बड़ी खेप के मूवमेंट की गुप्त सूचना मिली थी। मिश्रा ने बताया कि माफिया मनेर के मौलानीपुर में शराब खपाने के लिए बड़ी खेप आई थी। इसके बाद मनेर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और हरियाणा के एक कंटेनर को जब्त कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विक्रम थाने की पुलिस ने एक दूध टैंक से शराब जब्त की थी। एसपी ने भरोसा दिलाया कि गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनेर में बीती रात्रि जो है वो मनेर पुलिस द्वारा जो है वो लगभग 10,000 बोतल से ज़्यादा शराब जब्त की गई है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ में लाया जा रहा था सर? ये हरियाणा का एक कंटेनर था, हरियाणा नंबर का, और उस कंटेनर में शराब भरी हुई थी और इसको जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई। कोई गिरफ्तारी है सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जाँच कर रहे हैं कि इन लोगों द्वारा सप्लाई किया जा रहा था और उसके बाद कार्रवाई की। शराबबंदी को पुलिस ने गंभीरता से लिया है, तभी शराब की इतनी बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की है। पुलिस और आबकारी विभाग को शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम को जारी रखना चाहिए ताकि शराब का गैर कानूनी कारोबार पूरी तरह से बंद हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।